आपका नाम? मैं नाजक तो। सर हम हाई सेकेंडरी स्कूल सेडी ख्वाजा से आए, तो हमें जितना मतलब 5 घंटे का मतलब कितना सफ़र होता है, लेकिन बारिश में भी हमें इतनी मतलब बिकते हैं, मतलब बुरी हालत हो जाती है। अगर सड़क में ये मतलब गाड़ियाँ होती तो हमें अच्छा मतलब हम गाड़ी पे आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त इतनी धूप में हमारी मतलब बुरी हालत हुई है गर्मी से। तो अगर सड़क होती तो हम बहुत मुसीबत होती है। कल जैसे बारिश थी तो हम जा नहीं पाए, स्कूल गए ही नहीं थे। नहीं जा पाते, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, तो क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा। तो क्या हमें मतलब इतना घर वाले जाने नहीं देते कि बारिश है तो अब यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो आप कैसे जा पाओ? तो कि अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये मुश्किल हल की जाए। खाना को सर जी, कौन पढ़ती है? मैं लहमत जी। यो हम आते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल सड़ी ख्वाजा से, हमें बहुत दूर पड़ता है तो गर्मी होती है काफ़ी। अगर बारिश हो तो हमारी क्लासें भी मिस हो जाती हैं यहाँ पे, भीग जाते हैं हम बारिश में जी। आपको हम चाहते हैं कि सड़क ठीक हो जाए, तो हमें बहुत परेशानी होती है चलने में। तो जाते हैं हम, कल बारिश थी तो हम स्कूल गए ही नहीं, हमारी क्लासें भी कल मिस होगी तो घर वाले बोलने लगे बारिश है कैसे जाओगे, तो कीचड़ होता है रास्ते में, भीग जाते हैं बारिश में। तो काफ़ी अर्सा हो गया। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट आप सबसे कि हम ये रोड ठीक हो जाए तो हम आराम से चल पाएँ स्कूल। हमारा सफ़र बहुत आसानी से था, वो पाए तो हम स्कूल भी जा पाएंगे आराम से। जी, 5-3 घंटे का यह सफ़र तय करना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है, हमारी यूनिफॉर्म जो गंदी हो जाती है। देखो सर, पहले तो मैं आपको इस रोड के बारे में थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ। ये रोड जो थी पिछले 20 सालों से ऐसे बंद पड़ी हुई थी, मिदाना टू गगड़कोट है इस रोड का नाम। तो जब इसका थोड़ा सा मतलब सोल्यूशन निकला, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर के पास गए, और भी लोगों ने काफ़ी मतलब के डेपुटेशन 2-4 जब पहुंचे तो इसका काम, कुछ पैसा सेंक्शन हुआ तो इसका काम लगा। काम जब लगा तो ये गगड़कोट तक खाली जो थी मशीन लगी तो उसने ऐसे ही थोड़ी खुदाई शुदाई करके चली गई वापस। फिर कुछ अर्सा गुजर गया, 1-2 साल, उसके बाद इस अभी 4 महीने पहले रोड़ी छोड़ी का कुछ ठेकेदार को कुछ टेंडर लगे थे तो रोड़ी छोड़ी भी पड़ गई है। लेकिन अभी भी जो मुश्किलात बच्चों को है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर पैदल जाना और वापस पैदल आना, मैं समझता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग डाली जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं अपना जो स्कूल की इनकी जो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो निज़ाम है, वो अच्छे से जो है चल पड़े। यहाँ पे गाड़ी का सिस्टम हो सकता है, हर घर में गाड़ी हो सकती है, एक ऑटो रिक्शा वगैरह यहाँ पे लोग ले सकते हैं इन बच्चों के लिए, तो ये अपना सफ़र जो है 20-25 मिनट में आराम से तय कर सकते हैं और इनका आना जाना आसानी से हो सकता है। देखो कुछ बच्चे ये छोटे छोटे हैं, अब यहाँ से ये जाएगी हायर सेकेंडरी सेड़ी ख्वाजा में, ये सेड़ी चौहाना का और है भी लास्ट पोर्शन गगड़कोट, गगड़कोट से सेड़ी ख्वाजा जहाँ हायर सेकेंडरी हमारी है वो मिदाना के लगभग पास ही है। तो इतना मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या आ रही है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मिदाना टू गगड़कोट रोड, जिसकी जिस पर रोड़ी तो पड़ गई है लेकिन इसका ब्लैक टॉपिंग जो है अभी तक नहीं पड़ा है,